नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तरफ से बहुत बड़ी अपडेशन आई हुई है और ये जो अपडेशन के लिए मैं आपको आज ही का प्रभात खबर का न्यूज कटिंग है, जिसमें कक्षा 9 से 10 में शिक्षकों के 13,842 पद है रिक्त। ये आज का न्यूज कटिंग में आया हुआ है प्रभात खबर में, और इसमें क्या है लिखा हुआ है मैं आपको बतला देना हूँ। पंचायत चुनाव से पूर्व फिर हो सकती है शिक्षकों की भर्ती। ये जो भर्ती है प्राइमरी की नहीं है, अपर प्राइमरी की नहीं है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की है। नियुक्ति पर 30 जनवरी को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जा सकता है फैसला लिया जा सकता है इस पद के लिए। जो आपका नोटिफिकेशन आउट करने की जो बात है वो 30 जनवरी को देखने को मिल सकती है। पढ़ देता हूँ इसमें क्या है। राज्य के शिक्षा विभाग में शिक्षक व गैर शिक्षक पद पर नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनकी जांच केंद्रीय एजेंसियां कर रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के पहले स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है। जानकारी के अनुसार फरवरी महीने की शुरुआत में ही इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा सकती है, फरवरी महीना में। ठीक है, बताया गया है कि राज्य में माध्यमिक स्तर के स्कूलों में यह नियुक्तियां होगी। माध्यमिक स्तर के स्कूलों में प्रधान शिक्षक के 2,325 पद रिक्त है, जबकि कक्षा 9 से 10वें में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या 13,842 है। अब 9 से 10 की बात यहां पर कर रहे हैं, यहां पर 11 12वीं की भी है। ठीक है, इसमें थोड़ी भूल हुई है। हालांकि नोटिफिकेशन आने पर आपको पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके पहले भी खाली आप लोगों के समक्ष वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन दी थी हेडमास्टर और 9th से लेकर 12th क्लास के असिस्टेंट टीचर की भर्ती के लिए। अब फरवरी महीना में इसकी शुरुआत हो जाएगी, ये आशा की जा सकती है। फिर से उसके बाद मैं अगला बढ़ रहा हूँ। स्कूल सेवा आयोग द्वारा इन रिक्त पदों पर ही नियुक्तियाँ के लिए विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार इन रिक्त पदों पर नियुक्तियों के लिए विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्ताव भेज दिया गया है और सोमवार को राज्य में सचिवालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, सोमवार को प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए स्कूल सेवा आयोग ने बनाया है नया नियम। उल्लेखनीय है कि प्रधान शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए स्कूल सेवा आयोग ने नया नियम बनाया है। पहले के जैसा नियम था आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट, फिर उसके बाद मेन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू, उसमें आपका बदलाव देखने को मिल सकता है। जिसके अनुसार इस बार प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए आरक्षण नीति लागू की जाएगी। यहाँ पर तो प्रधान शिक्षक की बात कर रहा है, लेकिन आपका इस बार की असिस्टेंट टीचर भर्ती जो 9वीं से 10वीं के लिए 12वीं तक है, उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगी। इसके साथ ही परीक्षा, इंटरव्यू व काउंसलिंग के क्षेत्र में नियमों में एकाधिक परिवर्तन किए गए हैं। इसी प्रकार कक्षा 9-10 में 13,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी SSC ने नया नियम बनाया है, और इसमें कितने सीटें किन श्रेणियों के लिए आरक्षित है इसकी तालिका भी तैयार की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को यह बतलाना है कि 9 से लेकर 10वीं में यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपका 11 12वीं की भी आएगी या इसी में सम्मिलित है, अभी क्लियर नहीं है। पेपर में तो पूरा दिखलाता नहीं है स्पष्ट, लेकिन इतना जरूर है 70-80% मान के रखिए कि ये खबर आपको सच देखने को मिल जाएगी। जब तक ऑथेंटिक आपका वेबसाइट में नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप समझ ही पा रहे हैं कि ये खबर पूरा सत्य नहीं माना जाएगा। किंतु यहाँ तक जो पेपर में आया हुआ है और ये चुनाव भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती भी है फरवरी महीना के बीच तक आपको देखने को मिलेगी भर्ती की प्रक्रिया, कितनी भर्ती है, कितना किस प्रकार का आपका सीटें रखी गई है, किस सब्जेक्ट के लिए, सब इस चीज़ें आपको देखने समझने को मिलेगी। आशा करता हूँ आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।